चुकी है हमारे नवरात्रों की त्योहार की तैयारी शुरू। तो सबसे पहले मंदिर वो करते हैं थोड़ा साफ सुथरा, तो मैंने सोचा कि व्हाइट पेंट है तो इसे करके साफ कर दूँ, थोड़ा ब्लैक हो गया था, लास्ट ईयर भी मैंने किया था तो ये, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग सा रंग हो गया है, तो इसमें मैं व्हाइट पेंट कर दूँ, ये नया सा हो जाएगा। तो अब करते हैं हम पेंट शुरुआत, ये देखिए जैसा मेरे पे आता है वैसे करती हूँ मैं। देखिए आज मैं चमका दूंगी पूरे मंदिर को, क्योंकि मंडे से नवरात्र शुरू है, संडे को ही मैं पूरा मंदिर वगैरह तैयार कर दूंगी, क्योंकि मंडे को तो और भी काम बहुत हो जाते हैं, तैयारी के पूजन के बहुत काम हो जाते हैं। पहले दिन तो वैसे ही 1-2 बजे तक निमट पाते हैं, कलश स्थापना है, पूरा दरबार सजाना है, तो ये सब काम हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज ही कर दूँ इसे तैयार। और सूखने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, एक रात सूखने में लग जाएगा कम से कम, तो मैं संडे को इसे लगा दूंगी दरबार मंदिर को, पूरी तरह सूख जाएगा। यदि सुखाऊंगी नहीं तो इसमें जो बिछाऊंगी इसका आसन वगैरह वो चिपक जाएगा पेंट में, एकदम साथ के साथ बिछा दो तो। मैं पूरी तरह पेंट कर लेती हूँ, और क्या है कि ऐसे लगेगा दीपावली पे नवरात्रों पे रौनक सी आ गई, नया सा हो गया, अपना भी मन संतुष्ट सा हो जाता है। यदि किसी उससे करवाओ पेंटर वगैरह से तो वो तो आध पौन घंटे में कर जाएंगे, पर अब मैंने सोचा मैं फ्री हूँ तो मैं ही कर लेती हूँ। अब छोटे छोटे काम के लिए पेंटर वगैरह आते भी तो नहीं है। खुद ही कर लेती हूँ सफाई, ये तो मंदिर की चोटी है, चोटी से करी मैंने शुरुआत। ये देखिए पुराना ब्लैक ब्लैक सा हो रहा था ना, शाइन सी आ जाएगी, माता रानी का दरबार भी अच्छा लगेगा, सस्ता हुआ। ये हो चुका है मेरा मंदिर का चोटी तैयार, पेंट हो चुका है, मेरे 5-7 मिनट लगे हैं इसे पेंट करने में, अब मंदिर में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए हमारी तो शाइन सी थोड़ी, ये सूखता रहेगा, एक रात को दिया दिन सूखेगा मंदिर। तो मैंने निकाल लिए मंदिर के ड्रॉयर वगैरह, इन्हें करूंगी मैं पेंट। ये देखिए अंदर तो शायद नहीं करूंगी, बार बार करूंगी, अंदर तो सही है, ब्राउन कलर गंदा भी कम होता है, बार बार करूंगी ब्राउन पेंट। और ये जो जिसपे आरती की प्लेट वगैरह रखते हैं उसका वो है स्टैंड सा, उसे करूंगी पूरा पेंट। देखिए जल्दी से कर देती हूँ, पहले ये मेरा मंदिर ब्राउन था, फिर थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा पड़ गया, मैंने पेंट करके इसे वाइट कर दिया, अब मैं इसे वाइट ही कर देती हूँ, हर साल थोड़ी शाइन आ जाती है इससे। कोई तो काम करो तो हाथ पे खुजली, मुंह पे खुजली ऐसी जरूर होती है, मेहंदी लगाओ पेंट करो, पता नहीं क्या झंझनाहट सी होने लगती है। मेरा ये 100-150 का पेंट आता है, ये उसमें मंदिर नया सा हो जाएगा। स्प्रे पेंट लगाओ तो वो बहुत ज्यादा लगते हैं और थोड़े स्पॉट से पड़ जाते हैं, इसलिए मैं एक बार स्प्रे पेंट किया था उससे थोड़े स्पॉट से पड़ गए, उसके बाद तो मैंने ये पेंट चालू कर दिया इसी से। सही ये आ गया मेरा मंदिर पेंट के लिए, तो मैं इसे करूंगी पेंट, और मैं इसमें करूंगी व्हाइट पेंट। तो आज हमारे यहाँ हो रहा है मौसम बहुत सुहावना, 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है,
देखो बारिश का नज़ारा, अभी भी बहुत तेज़ बारिश है। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश है, बालकनी तक पानी है। और ये देखो प्लॉट में भी कैसे पौधे वगैरह उगाए हैं, 3-4 दिन की बारिश में देखो हरियाली हरियाली छा गई है। हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरा पूरा दिन काम करते निकल गया और फिर मैंने उसके बाद किया मंदिर साफ, क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं। तो अब 3 दिन से हो रही है बारिश, मौसम हो गया ठंडा, बच्चे चाह रहे हैं। अब मेरे को थकान हो गई है, बच्चे कह रहे हैं अब बनाओ पकौड़ी। तो बच्चों को कहना कौन टाल सकता है, बड़ों को तो मना लो, बच्चों को कौन मना सकता है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी, वो खाएंगे सॉस और चटनी के साथ। अब चलो बनाते हैं हम पकौड़ी, आप भी खाइएगा। तो बनाने जा रही हूँ मैं पकौड़ी। मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन और मैंने 4 आलू लिए हैं, उन्हें स्लाइस में काट लिया है। और प्याज कम है तो थोड़ी सी प्याज ली है, हरा धनिया लिया है, हरी मिर्ची ली है, तो डालते हैं। तो मैं जिस स्टाइल से बनाती हूँ वो दिखा रही हूँ। मैंने ये बेसन ले लिया, अब मैं इसमें ये सारे आलू डाल लूँगी। ऐसे जल्दी जल्दी बन जाती हैं पकौड़ियाँ और बार बार का झंझट नहीं रहता, एक बार मिक्स हो जाता है सामान। तो अब मैं डालूँगी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जैसा आप खाना चाहें। अब डालते हैं इसमें हरी मिर्च, थोड़ा तीखा अच्छा लगता है पकौड़ी। ये डाल दिया मैंने हरा धनिया, ये पकौड़ियाँ मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि पकौड़ियों ये प्याज जो है बाद में डालूंगी, क्योंकि ये मिक्स हो जाएंगी फिर पता नहीं चलेगा टेस्ट का, फिर आलू जैसी लगेंगी, तो ये मैं बाद में निकालूंगी। अब मैंने डाल दिया हरा धनिया, अब मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच मिर्ची मिर्ची पाउडर, और ये डालूंगी मैं थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसे मैं कर लूंगी मिक्स, और मैं हाथ से करती हूँ। इसे मिक्स करने के बाद जिसमें जितना इसमें पानी की जरूरत रहेगी वो मैं पानी डालूंगी। तो ये हमारा लग रहा है सूखा सूखा, तो इसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाती हूँ, एकदम से नहीं डालना कहीं पतला हो जाए। अभी इसमें और पानी डालेगा, थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। देखिए अब मैंने गैस ऑन कर दिया और कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई हो चुकी है गरम। अब मैं इसमें तेल डाल दूंगी सरसों का, तो ये गरम हो जाएगा, इतने मेरा बैटर तैयार हो जाएगा पकौड़ी वाला। तो ये मैंने तेल डाल दिया है, अब इसे पूरे तेज गर्म होने देंगे और फिर स्लो कर लेंगे गैस को। तो अभी गर्म होने देते हैं। तो ये मेरी पकौड़ी का वो गोल हो चुका तैयार, देखो इस टाइप का रखना है, क्योंकि ज़्यादा पतला कर लेंगे तो वो फैल जाएंगी। तो ऐसे मैंने तैयार कर लिया पकौड़ियों का बैटर। तो तेल हो चुका है मेरा गरम, इससे मैं थोड़ा कम कर लेती हूँ क्योंकि एकदम जलने का डर रहेगा। तो मैं डालती हूँ एक एक करके पकौड़ियाँ बनाती हूँ। ये देखिए मैंने गैस को बिल्कुल स्लो किया कर लिया है, क्योंकि धुआं उठ गया तेल में, तेल काफी गर्म हो चुका है। ये देखिए मैंने पूरा जितना तेल है उसमें
हरी पकौड़ियाँ डाल लिए, इन्हें उलट पलट के फ्राई करेंगे। ये देखिए पूरी कढ़ाई में भर चुके हैं। पहली बार में क्योंकि तेल तेज गर्म होता है इसलिए जल्दी बीच की पकौड़ियाँ जल्दी हो जाती हैं, तो इन्हें हम पलट लेंगे। ये देखिए एक एक पकौड़ी, और हम गैस को कर लेंगे तेज, क्योंकि हमने पहले सिम पे कर ली थी, तो अब हमें करनी है फुल पे, क्योंकि तेल अब हो चुका है थोड़ा ठंडा। अब ये हो रही है हमारी पकौड़ियाँ तैयार, अब इन्हें सिकने देते हैं। तो देखिए अब हो चुकी हैं पकौड़ियाँ तैयार, क्रिस्पी एंड टेस्टी पकौड़ियाँ। बरसात का मौसम, पकौड़ियों के साथ एंजॉय करें, बच्चों को खिलाएं, आप भी खाएं, आप कम खाएं, मोटे आदमी कम खाएं, क्योंकि मेरा मोटापा बढ़ रहा है, मैं इग्नोर करती हूँ, देख देख के मन करता है, पर खाऊंगी, थोड़ा खाऊंगी लेकिन। ये देखिए क्रिस्पी एंड टेस्टी पकौड़ियाँ हमारी हो गई तैयार, और प्याज की बनाऊंगी लास्ट में, क्योंकि प्याज का फिर टेस्ट पता नहीं चलेगा। ये देखिए बहुत क्रिस्पी बनी है, खाइए दोस्त, आके आप भी खा लीजिए। ये देखिए, ये देखिए मेरा मंदिर हो चुका है पेंट, और मैंने मंदिर को कर दिया बिल्कुल नया। ये देखिए शाइन आ गई, अब इसमें लगेगा कल माता रानी का दरबार। अभी पेंट किया, थोड़ा चिपचिपापन है, तो कल तक ये पूरी तरह सही हो जाएगा, चिपकेगा नहीं, तो मैं कल लगाऊंगी इसमें माता रानी का दरबार। तो ये मेरा पेंट की मेहनत रंग लाई है, देखिए अच्छा लग रहा है ना। तो मेरी मेहनत यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ करते हैं, बाय।